दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का राजनीतिक मिजाज, राजनीतिक पारा इस समय चढ़ा हुआ है। राजनीतिक मिजाज पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा भर में घूम रहे हैं और वो जवाब मांग रहे हैं हरियाणा सरकार से, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की पदयात्रा की तैयारियाँ हैं, ये तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तमाम उनके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और सेंटर की टीम तमाम हरियाणा के अंदर दौरे कर रही है। इसी जुलाई के महीने में अमित शाह हरियाणा में दो बार आ चुके हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हों, चाहे वो प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया हों, आज सतीश पूनिया नुहू में हैं। तो मतलब आप मान लें कि राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्म है। अभय सिंह चौटाला सिरसा से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला सिरसा से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस होने के बाद में अब कौन से नए कदम उठाए जाएं। तो अजय सिंह चौटाला अपने बेटे दुष्यंत चौटाला और उनके दूसरे बेटे दिग्विजय चौटाला भी जगह जगह घूम कर कार्यकर्ताओं को मनाने, समझाने, पुचकारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियों में आप ईडी को लें, सीबीआई को लें, इनकम टैक्स को लें, इसके साथ साथ स्टेट की जो बॉडी है एंटी करप्शन ब्यूरो को ले, मतलब सबका अपना काम जारी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मुद्दे को लेकर चर्चा में हूँ। हालांकि हमने उस मुद्दे को आपसे डिस्कस पहले भी किया। मुद्दा ये है कि क्या डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी? क्या विपक्षी दलों को किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण, उनको चाहे उनके पुराने मामले हैं या जो कुछ भी चल रहा है उसमें उलझा करके अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी पर चल रही है? लोकसभा चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 5 सीट हार गई और लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत गई, तो मैं तो इन दोनों पार्टी की आमने सामने के मुकाबले की बात करूंगा। क्षेत्रीय दलों की बात किसी और वीडियो में आपसे करेंगे। 5-5 लोकसभा की सीटें, यानी कि कांग्रेस कमाने के बाद और भाजपा गंवाने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। ये तो ठीक है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो साथ लगते राज्य, बीजेपी को डेंट खूब लगा और उस लगे हुए डेंट को लेकर ही है कि अगले कदम सब फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं। हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। महाराष्ट्र देश की इकोनॉमिक राजधानी भले ही है मुंबई, लेकिन हरियाणा भी उतना ही जरूरी है और इस सब को लेकर के हरियाणा की तरफ विशेष निगाह है। और मैंने आपसे कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, और उस डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा है कि विपक्षी दलों के नेताओं पर लगातार एक्शन हो रहा है। आप इसे कुछ यूं जोड़िए कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उनके समधी हैं दिलबाग सिंह, जनवरी के महीने में उनको गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने, और माजरा था उनके पीछे कि अवैध खनन का उन पर आरोप था, अवैध खनन के मामले में उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी से गिरफ्तारी से वो बाद में जमानत पर रिहा होकर के आ गए। उसी समय छापेमारी हुई थी सुरेंद्र पवार के निवास पर, जो सोनीपत के विधायक हैं, और सुरेंद्र पवार पर अब छापेमारी अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुई और सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र पवार पर बताया जा रहा है कि धन शोधन के, अवैध खनन के और इस प्रकार, क्योंकि उनका जो माइनिंग का काम है उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, रिन्यू कराया नहीं गया, ये तमाम प्रकार के आरोप हैं। और मामले तो वो 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने हैं, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो फिर वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र पवार बहुत नज़दीक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और अब सुरेंद्र पवार ईडी की रिमांड पर हैं, आजकल पूछताछ ईडी उनसे कर रही है। सुरेंद्र पवार से पहले छापेमारी जो दबिश दी गई वो दी गई भिवानी महेंद्रगढ़ से, जो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और महेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं राव दान सिंह, उनके निवास पर। राव दान सिंह भी बहुत क्लोज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। राव दान सिंह के बेटे हैं अक्षत यादव, अक्षत यूथ कांग्रेस के हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे हैं, और इसके साथ साथ अक्षत यादव भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं राव नरवीर सिंह, जिनका टिकट कटा था 2019 में और जो इस चुनाव के अंदर ताल ठोक रहे हैं कि अगर टिकट भाजपा ने नहीं दिया तो आज़ाद भी लड़ सकते हैं। वैसे राव नरवीर सिंह का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, राव नरवीर सिंह का पुराना रिकॉर्ड रहा है पार्टियाँ बदलने का, चाहे वो
हरियाणा विकास पार्टी में रहे हों, चाहे उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हों, चाहे वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में आजकल हैं, लेकिन पार्टी बदलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो समझता हूँ राजनेताओं के लिए पार्टी बदलना कोई बहुत बड़ी बात हुआ भी नहीं करती। और अगर कहीं माना जाए तो जब चुने हुए विधायक का पार्टी बदलना फिर भी थोड़ी बहुत लोगों को रहता है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं है, जिसके पास कोई पद नहीं है, अगर वो पार्टी बदलता है तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। क्योंकि राव नरबीर सिंह भी प्रभावशाली नेता हैं, राव दान सिंह के वो समधी हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो राव दान सिंह पर शिकंजा कसा गया, उनके यहाँ छापेमारी हुई, अक्षत यादव के ऊपर भी एक्शन चल रहा है, उनकी भी सुनवाई है 20 जुलाई के इसी आखिरी सप्ताह में। अब उसके बाद चलें तो इससे पहले धर्म सिंह छोकर, समालखा के विधायक, धर्म सिंह छोकर भी बहुत क्लोज हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। धर्म सिंह छोकर के बेटे जो हैं आजकल ईडी की गिरफ्त में भी हैं, और धर्म सिंह छोकर की रिश्तेदारी है तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर के साथ, उनका समझाना है यहाँ पर तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के साथ में। अब अगर यहाँ हम देखते चलें तो ललित नागर फिर भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीक हैं, उसके अलावा ललित नागर किसी समय, आज तो मुझे लगता है कुछ ऐसी बातें जो हवाएं बताती हैं कि गांधी परिवार के अंदर, वाड्रा परिवार में ललित नागर की वो से नहीं है, लेकिन किसी समय ललित नागर भी बड़े क्लोज हुआ करते थे वाड्रा परिवार के, गांधी परिवार के, और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, हुड्डा जी के क्लोज तो आज भी हैं। और इसके साथ एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको कि ललित नागर के निवास पर भी ये तमाम प्रकार की छापेमारी, दबिश वगैरह पहले चलती रही हैं। आप कनेक्शन जोड़ते चलिए सबका, यानी कि धर्म सिंह छोकर, तो धर्म सिंह छोकर के साथ ललित नागर, धर्म सिंह छोकर का बेटा, इसके बाद में आए तो रावदान सिंह, रावदान सिंह के साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़दीकियाँ, इधर धर्म सिंह छोकर और ललित नागर की नज़दीकियाँ हुड्डा साहब से, इधर रावदान सिंह की नज़दीकियाँ हुड्डा साहब से, रावदान सिंह का बेटा राव नरवीर सिंह का दामाद, भारतीय जनता पार्टी के, मैं अगर कहूँ उनको कि वो रुष्ट नेता, नाराज नेता, उनके साथ वो रिश्तेदारी, और वो भी प्रभावशाली नेता। अब इसके बाद अगर चलते हैं तो फिर सोनीपत के विधायक, सोनीपत के विधायक से पहले देखें तो फिर यमुनानगर के पूर्व विधायक, जिनकी रिश्तेदारी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के साथ हैं, दिलबाग सिंह जो हैं यमुनानगर के पूर्व विधायक, दो बार विधायक जो रहे हैं, जो ईडी की गिरफ्त में रहे और जमानत पर बाहर हैं आजकल, वो अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। अभय सिंह चौटाला के बेटे जो अर्जुन चौटाला हैं, उनका विवाह हुआ है दिलबाग सिंह के परिवार में, दिलबाग सिंह की बेटी के साथ में। अब इन सबको देखते हुए आप अगर इन सबको मिलाकर चलते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के चुनावी डैमेज कंट्रोल का कोई हिस्सा तो नहीं है। और फिर आपको दूसरी बात दोस्तों बताता चलूं मैं, ये जो एक्शन चल रहे हैं तमाम वेबसाइट्स पर आप देख रहे होंगे, मैंने भी कहा था कि ये सब तो केवल संकेत हैं, इशारा है, तो क्या अगला निशाना कौन है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निगाहें हैं? क्योंकि अमित शाह तो कह के चले गए, हुड्डा साहब को खासकर उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब पाई पाई का हिसाब करने आया हूँ, पाई पाई का हिसाब करूँगा, बनिया का बेटा हूँ मेरा। उस जो सेंटेंस था अमित शाह का, उसमें पूरा आप सब गौर कीजिए, आप समझिए कि जो उनकी भाषा थी वो कुछ संकेत देने वाली भाषा थी, उनकी भाषा संकेत दे रही थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर वैसे ही पहले से ही लगभग 5-6 मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं, जिनके अंदर किसी में CBI जांच कर रही है, किसी में ED जांच कर रही है, किसी के अंदर कमीशन बना हुआ है, और किसी मामले में आप समझें तो फिर 2-2, 3-3, 4-4 एजेंसियां लगी हुई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी फरवरी के महीने में 2 बार ED ने पूछताछ की, कई घंटों की लंबी पूछताछ हुई। क्या वो पेशी पूछताछ थी कि आगे कुछ अगर ऐसा होता है तो? मैं आपको बता दूं जो हुड्डा साहब का मैटर आप समझें तो हुड्डा साहब के साथ में चाहे वो पंचकुला है, चाहे वो गुरुग्राम है, मानेसर है, ये तमाम लैंड डील के मामले जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं 4 मामले हुड्डा साहब के साथ जो हैं उनमें एक सबसे मुख्य मामला मानेसर का है, 100 एकड़ जमीन का वो मामला था जिसके अंदर 2008 का इशू है। इस मानेसर वाले मामले में आरोप ये है कि 100 एकड़ जमीन का जो सारा खेल हुआ कि सर्किल रेट से उसको बहुत कम कीमत पे खरीदा गया और सर्किल रेट से बहुत ज़्यादा 20-25 गुना रेटों पर उसको आगे बेचा गया, ये आरोप लगाया इसके अंदर, और इस मामले को लेकर के जांच चल रही है। अगला जो मामला है इनका, वो अगला मामला है पंचकुला का AGL का। दूसरा मामला है 1982 में
एक यहाँ पर प्लॉट अलाट हुआ था। 2005 में जब वो हुड्डा सरकार आई, 1982 में प्लॉट अलाट हुआ, उस पर काम नहीं हुआ तो हुड्डा ने वो प्लॉट, यानी कि जो उस टाइम पे हुड्डा था, आज वो HSBP है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो था, क्योंकि हुड्डा और हुड्डा साहब लोग दोनों को जोड़ लिया करते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुड्डा को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया, यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो हो गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HUDA, हुड्डा से HSVP। तो मैं बात जो बता रहा हूँ आपको, 1982 में AGL को वो प्लॉट दिया गया, वो प्लॉट पर जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, काम नहीं हुआ, तो वो वापस ले लिया गया, और फिर उस प्लॉट को वापस दिया 2005 में। 2005 लगभग 23 साल बाद जब दिया गया उसको, तब भी दिया गया 1982 के रेट पे। ये भी मामला है। एक तीसरा मामला जिसके अंदर कि रॉबर्ट वाड्रा शामिल रहे, रॉबर्ट वाड्रा उसके अंदर रहे, और DLF वाला जो मामला था उसके अंदर, उस लैंड डील के अंदर धींगड़ा आयोग उसमें जांच कर रहा है। धींगड़ा कमीशन बना हुआ था, 2019 में धींगड़ा आयोग पर रोक लग गई थी। एक महीना पहले धींगड़ा आयोग के मामले में हाईकोर्ट में गई फिर से हरियाणा सरकार, और धींगड़ा आयोग को फिर से मंजूरी मिल गई कि वो अपनी जांच करता रहे आगे, यानी कि वो जांच चल रही है लगभग 7 साल से। आपको ये भी बताता चलूं कि धींगड़ा आयोग पर भी आरोप लगते रहे। खैर, अब ये तीन मामले तो बड़े बड़े मामले आपके सामने हैं ही, इसके साथ साथ भी जमीन के और भी कई मामले हैं कि जिनमें लैंड डील के मामलों में तमाम एजेंसी जांच कर रही हैं, और जो उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जो पूछताछ हुई थी, और सबसे प्रमुख जो हुआ अभी 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया एक्स पर ED ने डाला, एक लैंड डील के मामले में, M3M के मामले में उन्होंने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमीन, जिसके अंदर की वो मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ है, उस मामले में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमीन को अटैच कर लिया। ये एक्शन चल रहे हैं ED के, CBI के, तमाम एजेंसीज जो एक्शन कर रही हैं, और खासकर इस समय चर्चा में ज़्यादा ED है। अब दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि क्या, जो मैंने आपको शुरू किया था और फिर उसी सवाल पर आ रहा हूँ, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये जो चल रहा है एक्शन, ये क्या डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है? दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताना और भी ज़रूरी है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, जिसमें कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी और 5 सीट कांग्रेस जीती, जो कांग्रेस ने चुनाव जीता उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा जो चुनाव जीते, वो 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते, हरियाणा का सबसे बड़ा मार्जिन। कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव जीती, लगभग वो 2.5 लाख के आसपास जीती, हरियाणा का दूसरे नंबर का मार्जिन। और जो बाकी 3 कैंडिडेट चुनाव जीते इनके, वरुण बुलाना चुनाव जीते, जयप्रकाश चुनाव जीते और सतपाल ब्रह्मचारी जीते, तो सबसे कम मार्जिन तो था वो सतपाल ब्रह्मचारी का था। इसके बाद में अगला जो मार्जिन था वो वरुण मुराना का था, लगभग 45-50 हज़ार का, और उससे बड़ा जो मार्जिन था वो JP का था हिसार से। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसद बने उसकी तरफ आ जाएं, तो BJP के जो 5 सांसद बने उनमें भी 2 सांसदों का तो जो चुनाव का जीतने का मार्जिन था वो ठीक है। मनोहर लाल खुद चुनाव जीते करनाल से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से, और कृष्णपाल गुर्जर लगभग 1,65,000-70,000 से चुनाव जीते फरीदाबाद से। तीसरे नंबर पर राव इंद्रजीत चुनाव जीते लगभग 75,000 से, और चौथे नंबर पर चुनाव जीते इनकी पार्टी से जो धर्मवीर जीते लगभग 45-44,000 से, और पांचवें नंबर पर चुनाव जीते नवीन जिंदल लगभग वो 24-25,000 से। इस लिहाज से माने तो 3-3 सीटों पर जहां वहां था वहां भी मुकाबला बहुत कड़ा हुआ, जो BJP ने जीती या कांग्रेस ने जीती, हम उसको भी मान लें 2 सीटों को। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला और नायब सिंह सैनी इस समय ताबड़तोड़ घोषणाएं भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ क्या चुनाव के लिए BJP को फायदेमंद होगा? अब बड़ी बात ये आती है कि जैसे सुरेंद्र पवार गिरफ्तार हो गए, और सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी से पहले एक एक्शन और हुआ था, आपको बताता चलूं मैं यहाँ पर, सोनीपत के अंदर ही, जो वहाँ के निखिल मदान मेयर हैं, जो कांग्रेस के चुने हुए मेयर थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल करनाल के सांसद और करनाल के विधायक ने उनको पार्टी में शामिल कराया, पार्टी में उनकी एंट्री कराई। और निखिल मदान और सुरेंद्र पवार का भी 36 का आंकड़ा रहा, आपको ये भी बताता चलूँ, तो वो भी क्या एक हिस्सा था उसका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्शन चल रहे हैं, चाहे वो धर्म सिंह छोंकर है, चाहे वो
रावदान सिंह हैं, चाहे वो उसके बाद में सुरेंद्र पवार हैं, क्या ये सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इंगित करने की बातें हैं कि आगे कुछ और भी हो सकता है? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो कुछ होता है वो सरकार करती है, तो क्या अगला निशाना सरकार का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हो सकता है? जिस प्रकार से M3M की प्रॉपर्टी अटैच की गई तो उस मामले को हवा दी गई, और उससे एक महीने पहले हवा दी गई धिंगड़ा कमीशन को पुनर्जागृत करके, तो क्या माना जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के रडार पर हैं? और सबसे बड़ा प्रमुख सवाल दोस्तों ये, क्योंकि मैं कांग्रेस के कई नेताओं के बयान पढ़ रहा हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से तीर निकल चुका है, क्या अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है तो उसका बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।